Hello everybody, this is Shivam Dubey from English Kingdom, Katra Prayagraj, and today I am here with another video and another biography, and this time we are trying to explore the biography of Indian poetess Kamala Das Suraiya. Undoubtedly, Suraiya word or Das word dono apne aap mein alag hai. Das se jahan Hindu hone ka inka maloom chalta, wahin Suraiya jo word hai wo inke Muslim hone ki baat chalti. Ye inke life ki एक कंट्रोवर्सी है, साथ ही साथ इनकी जो पोएट्री रही उसमें भी कंट्रोवर्सी देखने को मिलता है. स्पेशली एक इंडियन सोसाइटी जो कंजर्वेटिव सोसाइटी होती है, खास तौर से रही है, आई कांट से नाउ, लेकिन पहले ही बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी रही है और वहां पर लेडीज के लिए बहुत कम स्कोप हुआ करता था. ऐसी सोसाइटी में बाहर निकलना और अपने लिए एक फील्ड तैयार करना और खासतौर से ऐसे ऑलमोस्ट फंक्शंस करने, काम करने जो उस समय के सोसाइटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, तो आई थिंक कि कमला दास वाज अ वेरी डेयरिंग लेडी. और हालांकि हमारे पास और भी ऐसी पोएटेस रही हैं, जैसे कि अगर हम सरोजिनी नायडू जी की बात करें या फिर तो रुदत की बात करें, बट दे वर नॉट द सेम वे ट्राइंग टू एक्सप्लोर वुमनिज्म इन सोसाइटी. अपने अपने तरीके होते हैं, जहां पर कमला दास ने फेमिनिज्म की बात की है, सेक्सुअलिटी की बात की है और ऑलमोस्ट जो हमारे सोशल टैबूज हैं उनको तोड़ने की बात की है. तो दूसरी ओर हमारी जो अगर हम बात करते हैं सरोजिनी नायडू की, तो वो काफी सोशल रिफॉर्मिंग का काम करती हैं, एक मॉडल वे से, एक आइडियल वे से, कांग्रेस के रूल्स के थ्रू उन्होंने अपनी पोएट्रीज को शेप किया और अपने बीच की जो वीमेन है उनको एक सोसाइटी में मैसेज जरूर दिया उन्हें कैसे रहना चाहिए. We will continue with this video, but before we move to this video, I would like to tell you कि एक बैच हम लोग फिर से TGT के लिए लॉन्च कर रहे हैं. Remember, ये केवल बैच TGT English के लिए है जो 8th जनवरी से शुरू हो रहा है. 8th जनवरी से शुरू होने वाला ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शुरू हो रहा है. जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन TGT की क्लास के लिए, इंग्लिश के लिए जुड़ना चाहते हैं, उससे वेलकम. होपफुली हम लोग मेहनत करेंगे और दो महीने के बीच में आपकी तैयारी करेंगे. अभी उसके पहले आप अपने सुपर टेट पर जरूर फोकस करते रहे, क्योंकि यह भी आपके टारगेट में है, गोल में है. सुपर टेट की तैयारी के बाद हम लोग फिर से एक अलग तैयारी में जुटेंगे, जिसमें टीजीटी को क्रैक करना हमारा टारगेट होगा. 8 जनवरी से हम लोग बैच को शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही, जिसके लिए आप अपने आप को तैयार रखिए. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ द डे, एंड एज आई टोल्ड यू कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कमला दास सुरैया को, जिनकी एक बायोग्राफिकल स्टडी आज हम लोग करेंगे. कमला दास सुरैया वाज बोर्न टू नलपत वालामरी अम्मा एंड वीएम नायर इन पुन्यारकुलम त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट केरला ऑन 31st मार्च 1934. कमला दास नलपत वालामरी अम्मा और वीएम नायर की डॉटर थी, बेटी थी, और इनकी पैदाइश जो हुई थी वो त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट के पुन्यारकुलम नामक जगह पर हुई थी, जो एक्चुअली केरला का एक हिस्सा है. और शी वाज बोर्न ऑन 31st मार्च 1934 में उनकी पैदाइश हुई थी. एक्चुअली नलपत वालामरी अम्मा उनकी एक पोएटेस मदर थी और वीएम नायर उनके फादर थे. दोनों की जो फैमिली या जो एजुकेशन का माहौल मिला था वो बहुत ही सपोर्टिव था, जिससे हमें एक फ्यूचर पोएटेस मिल सकी. शी वाज मेनली ब्रॉट अप इन कलकत्ता एंड रिसीव्ड हर एजुकेशन देयर वेयर हर फादर वाज पोस्टेड एज अ सीनियर ऑफिसर इन द वेलफेयर ट्रांसपोर्ट कंपनी. एक्चुअली आज जिसके हम लोग कोलकाता कहते हैं, तो यह कभी कलकत्ता के नाम से जाना जाता था और यहां पर ही कमला दास की एजुकेशन हुई. एक्चुअली एजुकेशन होने का मेन कारण बने उनके फादर वीएम नायर. वीएम नायर एक सीनियर ऑफिसर के रूप में वेलफेयर ट्रांसपोर्ट कंपनी में पोस्टेड थे और इसकी वजह से ज्यादातर वक्त कमला दास का जो गुजरा वो कलकत्ता में गुजरा. इत्तेफाकन उनका एजुकेशन भी वहीं पूरा होता और फाइनली शादी भी इनकी कलकत्ता में ही हो जाती है, जहां पर उनको बहुत ही सपोर्टिव हस्बैंड मिलते हैं. एजुकेशन और इनकी अर्ली लाइफ तो कोलकाता में ही गुजरी, जिसके जरिए इन्होंने कुछ एक्सपीरियंसेस भी लिए और इनकी पोएट्री को ये कोलकाता शेप करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है. इसलिए भी क्योंकि जिस दौर में इन्होंने राइटिंग करना शुरू किया
अगर देखा जाए तो 1960s में इनकी राइटिंग का वर्क शुरू होता है, वो सच में देखा जाए तो कोलकाता या कलकत्ता जिसको हम लोग कहते हैं, सच में वो एक तरह के रिनेसा के दौर से चल रहा था, जहाँ काफी चीजें नई हो रही थी, नए पोएट आ रहे थे, नए पोएटिस आ रही थी, नई जेनर्स डेवलप हो रहे थे, और इंडियन इंग्लिश राइटिंग जो थी वो अपने आप में पीक पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। She was inspired from her maternal uncle Nalapath Narayan Menon and her Malayali poetess mother. She used a pen name Madhuri Kutte at least one time. ये सब मैंने बताया कि कमला दास का जो family background है, वो educated है, तो इनकी life में उस family background का बहुत असर पड़ा। Especially इनका जो मदर का जो फैमिली था वो एजुकेशन और लिटरेचर से बहुत ज्यादा रिलेटेड था। उनके मामा थे नलपत नारायण मेनन, जिन्होंने खास तौर से इनकी अर्ली लाइफ में पोएट्री राइटिंग की ओर जो झुकाव था उसको इंस्पायर किया था। साथ ही साथ इनकी जो मदर थी बालामणि अम्मा, शी वाज आल्सो अ पोएटेस, और इसका नजर रिजल्ट जो है वो कमला दास की राइटिंग में साफ तौर से दिखता है। हालांकि इनकी जो मदर थी वो मलयाली पोएटेस थी, और इसी वजह से शायद ऐसा रहा कि जो कमला दास हैं उनकी भी राइटिंग में मलयालम राइटिंग खास इंपॉर्टेंस रखता है, और उन्होंने भी कई वर्क अपने मलयालम में ही राइट किए हैं, और कई तो ऐसे भी हुए हैं जिनको उन्होंने ओरिजिनली मलयालम में राइट किया और फिर उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। इसका वजह हुआ कि उन्होंने अपने लिए पेन नेम माधवी कुट्टी पेन नेम यूज किया। एक्चुअली पेन नेम एक ऐसा नाम होता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, एक ऐसा नाम होता है जो सच में किसी पोएट या पोएटेस या एसेस्ट का नाम नहीं होता, बट अपनी राइटिंग करने के लिए इस तरह के नाम को अज्यूम कर लेते हैं, तो सच में वो जो होता है वो उनका पेन नेम बन जाता है। जैसे जिनको हम जॉर्ज एलियट के नाम से जानते हैं, एक्चुअली उनका रियल नेम मैरी एन एवांस, लेकिन उन्होंने अपने लिए जो पेन नेम यूज किया वो उन्होंने जॉर्ज एलियट यूज किया। इसी तरह से अगर आप देखें तो जो चार्ल्स डिकेंस थे, जब वो शुरुआत की अपनी राइटिंग कर रहे थे तो उन्होंने एक पेन नेम चुन लिया था बॉस। इस तरह से अलग अलग जो राइटर होते हैं अपने लिए पेन नेम यूज करते रहते हैं। इसी तरह से एजी गार्डनर ने अपने लिए अल्फा प्लॉ का यूज किया था पेन नेम के रूप में। तो कई ऐसे अलग अलग लोग हैं जो पेन नेम अपने लिए यूज करते रहते हैं। कमला दास ने अपने लिए पेन नेम जो यूज किया वो माधवी कुट्टी के रूप में यूज किया। एटलीस्ट इसका जिक्र कम से कम एक बार तो जरूर आता है, बहुत ज्यादा तो नहीं आता है, लेकिन माधवी कुट्टी जो नेम है उसका जिक्र इन्होंने एक बार जरूर किया था। शी वॉज मैरिड टू अ बैंक ऑफिसर एट 15 टू के माधव दास इन 1949 एंड हैड थ्री सन्स, माधव दास नलपत चेनन दास एंड जय सूर्या दास। शी हैड एन अफेयर विद सादिक अली एंड कन्वर्टेड इनटू इस्लाम इन 1999। एक्चुअली जो कमला दास की लाइफ है वो एक इंडिया का आप ये कह सकते हैं दर्पण है, इंडिया का एक मिरर है, और इस मिरर को अगर देखा जाए तो सच में उन्होंने जिया है। अर्ली मैरिजेस जो थी वो हमारी इंडिया की या इंडियन कम्युनिटी की बहुत बड़ी सोशल एविल थी, बहुत बड़ी सामाजिक बुराई थी। इस बात का यहाँ पर भी जिक्र है, शी वॉज मैरिड टू अ बैंक ऑफिसर एट 15। अगर आप देखें तो शी वॉज ओनली 15 ईयर ओल्ड, केवल 15 साल की उम्र थी और उनकी शादी कर दी गई। वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैरिज, जब आप 15 साल के हो और आपकी शादी हो जाए तो शायद ही आप समझ पाएंगे कि शादी का मतलब क्या होता है या उसका मीनिंग क्या होता है। बट शी वॉज मैरिड एट अर्ली एज ऑफ 15 और उनके जो हस्बैंड थे वो एक बैंक ऑफिसर थे और उनका नाम था के माधव दास। ये बात अलग है कि के माधव दास उनकी लाइफ में बहुत बड़े सपोर्ट बने, खास तौर से उनकी जो राइटिंग थी उस राइटिंग में बहुत ज्यादा उनको एनकरेज किया। फैमिली बैकग्राउंड के बाद के माधव दास उनकी लाइफ में आना उनकी पोएट्री या उनके लिटरेचर के लिए एक बूस्ट था।
केमादो दास के साथ उनकी शादी 1949 में हुआ था और इनसे उनको दो तीन एक्चुअली थ्री सन्स हुए थे, जिनमें सबसे बड़े माधव दास नालापत थे, सेकंड नंबर पर चीने दास थे और सबसे छोटे जयसूर्या दास थे। She had an affair with Sadiq Ali and converted into Islam in 1999. ये एक बड़ा कंट्रोवर्सी उनकी लाइफ का है। सादिक अली एक्चुअली कौन है, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया हुआ मैन स्टोरी में, लेकिन इसके बारे में ये माना जा सकता है कि उनका अफेयर तो जरूर ही था। और इनके अफेयर के बारे में इनकी एक फ्रेंड और नोटेबल राइटर थी जिनका नाम था लीला मेनन। लीला मेनन ने यह जिक्र किया था कि जो सादिक अली थे वो एक्चुअली एक बड़ा नाम था, जो एमपी थे और उनका नाम जो था अब्दुस्मान समादनी था। अब्दुस्मान समादनी, ये कोई नाम समादनी के रूप से वो जिक्र करती हैं कि समादनी नाम से कोई सादिक अली था जिसके साथ इनका अफेयर था। हालांकि कभी कमला दास ने खुल के नहीं बताया कि वो किसके साथ उनका अफेयर था, लेकिन इतना जरूर था कि वो एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिनके साथ इनका अफेयर था। और पॉसिबल जो इनका कन्वर्जन हुआ कि इस्लाम में कन्वर्ट हुई 1999 में, तो उसका एक बड़ा रीजन माने जाते हैं सादिक अली ही, जिनको एक सीक्रेट नेम दिया गया सादिक अली, उनके साथ इनका अफेयर रहा और एक कंट्रोवर्सी भी रहा। ऐसा भी लगता है इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के बाद कि वे बाद में इस्लाम में कन्वर्ट होकर भी खुश नहीं थी, और ये शायद ऐसा भी लगता है कि बायोग्राफी को पढ़ने के बाद कि ये इस्लाम से फिर से हिंदुइज्म में आना चाहती थी, लेकिन बाद में इनके बड़े बेटे ने इस बात को करने से मना कर दिया, जो माधवदास नालापत थे उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। तो यह भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि कौन कन्वर्ट हुआ, पहली बार तो ये क्वेश्चन बनता है वो कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। दूसरा ये क्वेश्चन बन जाता है कि किस रिलीजन में वो कन्वर्ट हुई, व्हिच रिलीजन शी चूज टू कन्वर्ट इन, और फिर ईयर भी पूछता है कि व्हेन डिड शी कन्वर्ट इनटू इस्लाम। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं। सादिक अली एक सिंबॉलिक नेम है जो उनके अफेयर को जिक्र करता है, तो उनके नाम के रूप में जैसे मैंने बताया कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जो सच में एक इस्लामिक स्कॉलर भी थे और मुस्लिम लीग के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, उनके लिए जिनके बारे में लीला मेनन ने एक नाम दिया था अब्दुस्माद सुमादनी, उनके रूप में गेस माना जाता है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया। कमला दास की जो पोएट्री रही है, शी रोट कॉन्फेशनल पोएट्री लाइक सिल्विया ब्लाथ एंड मार्गरेट ड्यूरास एंड ब्रेथ द लास्ट एट हॉस्पिटल इन पुणे ऑन 31 May 2009। She had been controversial poetess. Actually, सही ढंग से देखा जाए, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि जो पोएट्री है वो केवल पोएट्री नजर नहीं आती है, ऐसा लगता है जैसे उनकी अपनी खुद की स्टोरी है, और स्टोरी अगर देखा जाए तो ऑटोबायोग्राफिकल भी होती है, फिर उसको कॉन्फेशनल कहना कैसे अच्छा होगा, क्योंकि यहां पर दिखाया गया है कि कॉन्फेशनल है। कॉन्फेशनल अगर देखा जाए तो इस रूप से देखा जाता है कि पोएट्रेस को भी खुद मालूम था कि वो जो कर रही है वो सोशली सही नहीं है, बट शी वॉज डूइंग बिकॉज शी थॉट कि इसे उनको करना चाहिए। शायद ये वजह रहा होगा, क्योंकि पोएट्री में एक अपराध है जो सोशल, हम कह सकते हैं कि सोशल वो क्राइम है, बट उसको उन्होंने किया और उनकी पोएट्री में वो रंग दिखता है। This is why the term is there, confessional poetry, अपने मिस्टेक से अपनी गलतियों को स्वीकार करना। इस तरह की पोएट्री अमेरिका में सिल्विया प्लाथ करती हैं, जिनकी डैडी जैसी पोएम जो होती है या बेरर जैसी पोएम जो होती है उनके अपने कॉन्फेशनल एटीट्यूड को दिखाती हैं। साथ ही उनके मार्गरेट ड्यूरास भी इसी तरह के कॉन्फेशनल पोएट्री के लिए जानी जाती हैं। सिल्विया प्लाथ या मार्गरेट ड्यूरास के जैसे हमारे कमला दास जो थी वो अपनी पोएट्री को शेप करती थी, बट ग्रेजुअली इनकी लाइफ में जो कंट्रोवर्सीज होती रही और फाइनली शी कुडंट हैंडल आई थी कि जो प्रेशर लगातार इनके ऊपर बन रहे थे, खासतौर से इस्लाम का भी दबाव था और हिंदुइज्म का भी दबाव इनके ऊपर था। इस तरह से होपफुली
कि वो अपने एक लाइफ को जीती हैं. She breathed her last at a hospital in Pune on 31st May 2009. 2009 में उनकी डेथ पुणे के एक हॉस्पिटल में हो जाती है 31st में. हॉस्पिटल में इनकी डेथ होने के बाद भी एक बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि कुछ लोग इनको हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग बरेड करना चाहते थे या उनको फ्यूनरल देना चाहते थे और कुछ लोग इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग इनको फ्यूनरल देना चाहते थे. क्योंकि फाइनल टाइम में यह इस्लाम में कन्वर्ट हो गई थी और इस्लाम में ही थी इसलिए लास्ट में इनको एक इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंग बरीड किया गया, दफन किया गया. एंड द नेम ऑफ द मस्जिद वाज पलायम जुमा मस्जिद जो तिरुवनंतपुरम में है. फाइनली तिरुवनंतपुरम में इनको पूरे रिस्पेक्ट के साथ इस जुमा मस्जिद में पलायम के जुमा मस्जिद में इनको बरीड कर दिया जाता है. इनके बरी होने के साथ ही एक अलग और एक बोल्ड राइटिंग वाली पोएटेस का इस दुनिया से अलविदा हो जाता है और हमारे बीच में इनकी केवल एक छवि रह गई. पोएट्री तो बहुत अच्छी लिखती है बट एक ऐसी छवि बन गई है जो इनके साथ कंट्रोवर्सी को जोड़ती है. तो शी बिकम्स अ कंट्रोवर्सियल पोएटेस इन आवर लाइफ. और आज भी उनकी कंट्रोवर्सी हो या कन्फेशन हो अगर उनकी पोएट्री को पढ़े तो बहुत ट्रूथ और बहुत सच्चाई नजर आती है. और कहीं ना कहीं एक जो फाइटिंग वीमेन है, लड़ने वाली जज्बाती जो औरत है वो नजर आती है सामने. औरत होना क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू बी अ वीमेन. अगर कई लोग औरत होना एक वीकनेस समझ लेती हैं, कई लोग औरत होना अपना एक ब्यूटी समझ लेती हैं, अपने आप को अलग अलग डिफाइन करती. कमला दास ने औरत होना औरत को समझने की कोशिश करने की कोशिश किया हुआ है. उनकी पोएट्री में लिखी हुई हर बात औरत को औरत होना बताती है कि आप एक वीमेन हो, वीमेन की लाइफ जीने की कोशिश करो. और वीमेन का वीमेन लाइफ जीने में ही एग्जिस्टेंस है, वही उसकी ताकत है. यह भी उन्होंने बताने की कोशिश की अपनी पोएट्री के जरिए. आइए देखते हैं उनके लिटरेरी वर्क्स और साथ ही साथ इनके लिए मिले हुए जो सम्मान है, अवार्ड्स है, उसके बारे में बात करते हैं. वैसे तो ढेर सारे इन्होंने अवार्ड्स अपनी लाइफ में हासिल किए हैं बट खास अवार्ड के रूप में इनको एशियन पेन अवार्ड 1964 में मिलता है. इसके अलावा केरला साहित्य अकादमी अवार्ड इनको 1969 में मिलता है. साहित्य अकादमी अवार्ड भी इनको मिलता है 1985 में मिला करता. एशियन पोएट्री प्राइज भी इनको मिलता है जो 1998 में मिलता है. इसके अलावा भी इनकी अपनी कुछ पर्सनल लाइफ में इन्होंने सोशली कुछ करने की कोशिश किया था और इस तरह से इन्होंने एक अपनी पार्टी भी बनाया था ताकि वो कॉन्टेस्ट कर सके और उस पार्टी का नाम था लोक सेवा पार्टी. और इस पार्टी के साथ उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल करियर की भी शुरुआत किया. 1984 में उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था. ये बात अलग है कि उनको सक्सेस नहीं मिली और अनफॉर्चुनेटली शी फेल. अदरवाइज शी कुड हैव बीन एन इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी इन आवर पॉलिटिक्स एज वेल बट वो 1984 के फेलियर के बाद पॉलिटिकल अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर कर लेती हैं. इनके डेथ के बाद द टाइम्स ने इनके बारे में लिखा था द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोएट्री. द टाइम्स का मानना है क्या जो मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री है उस मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री की मदर के रूप में हम कमला दास सुरैया को याद रख सकते हैं. शी रोच कई ढेर सारे इनके वर्क्स हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश इनकी लैंग्वेज है और इंग्लिश से इनको बहुत लव था लेकिन इसके अलावा मलयालम में भी इन्होंने राइटिंग किया हुआ है. मेजर जो इंग्लिश वर्क्स हैं उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं. शी रोट द साइरेंस, समर इन कलकत्ता, द डिसेंडेंट, माय स्टोरी जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, अल्फाबेट ऑफ लस्ट जो इंग्लिश में लिखा गया इनका इकलौता नॉवेल है. इसके अलावा भी इनकी पोएट्री की कुछ कलेक्शंस अलग से भी हैं. जैसे इन्होंने 1973 में द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स को पब्लिश किया था. इसके अलावा 1985 में इन्होंने द
अलामलाई पोएम्स को भी इन्होंने किया था। इसके अलावा इन्होंने शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस भी अपने पब्लिश कराए हैं इंग्लिश में, जैसे पद्मावती, द हार्लॉट एंड अदर स्टोरी, इसको उन्होंने 1992 में किया हुआ था। पोएट्री के रूप में 96 में एक बार फिर से इनकी पोएट्री आती है, ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग। इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद इनका पहला वर्क जो आता है या अल्लाह के नाम से आता है, 2001 में यह इनकी पोएम की कलेक्शन होती है। इसके अलावा प्रीतिश नंदी के साथ भी इन्होंने वर्क किया था, और प्रीतिश नंदी के साथ इनका जो वर्क रहा टुनाइट दिस सेवेज राइट, ये आता है 1979 में। 1979 में टुनाइट दिस सेवेज राइट आता, जो प्रीतिश नंदी के साथ इन्होंने वर्क किया था। इसके अलावा 1999 में इन्होंने एक पोएम कलेक्शन दिया था, माय मदर एट 66, और इनका एक और